गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर। प्रीवियस 3-4 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 में पहुंचे थे। तो जो 13.1 में मैंने आपको रूल्स सिखाए थे कि जब हमें बेस सेम दिया हो तो उसकी जो पावर होती है तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस और डिविजन में माइनस। ये सिंपल रूल सभी सम्स या सभी बड़े बड़े सिंप्लीफाई के लिए फॉलो होता होगा। अब हम एक्सरसाइज 13.2 की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट पावर, ओके, लेसन का नाम है हमारा एक्सपोनेंट पावर। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 13.2, उसका एक्सरसाइज नंबर 1, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ जो हमें एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, जो अभी मैंने आपको कौन से रूल बताए कि मल्टीप्लाई होता है जब और दोनों या तीन वॉट एवर कितने भी नंबर्स दिए हो सबके अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर का क्या होता है, प्लस, और डिवीजन में पावर का होता है माइनस। तो यहाँ नंबर 1 देखो, 3:2 मल्टीप्लाई 3:4 मल्टीप्लाई 3:8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, सबका बेस कॉमन है, क्या है बेस 3, और सबकी पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है, तो इस तरह से लिखेंगे 3:2 2+4+8, ओके, 3:2 2+4+8। तो यहाँ पर क्या होगा, 2+4 6 6+8 14, तो आंसर आएगा 3:14। हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि हमें क्या दिया कि हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट है और ये उसकी पावर है। तो देखो यहाँ हमने 3 लिखा, फिर उसके ऊपर उसके सारे पावर्स लिख दिए, क्या क्या पावर्स है, 2+4+8, तो आंसर आया हमारा 3:14। अब सेकंड नंबर देखो, 6:15 डिवाइडेड बाय 6:10, यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है, तो पावर का माइनस होगा 15-10, तो आंसर आएगा 6:5, ओके, आंसर आएगा हमारा 6:5। अब थर्ड नंबर देखो, 8³ × a² मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा प्लस 8³ + 2, तो आंसर आएगा 8⁵। ठीक है, तो देखो पहले का आंसर आया 3:14,
सेकंड नंबर का 6 रेस टू 5 एंड थर्ड नंबर का 8 रेस टू 5। अब हम आगे करेंगे नंबर 4 से। वही उसी तरह से हमें सम सॉल्व करने हैं जिससे हमें इसकी पहले वाले किए थे। तो फोर्थ नंबर इक्वल 7 रेस टू x मल्टीप्लाई 7 रेस टू 2। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 रेस टू x प्लस 2। ओके, अब इसमें कोई आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो आंसर यही का यही रहेगा 7 रेस टू x प्लस 2। अब देखो फिफ्थ नंबर, तो यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर दी गई है, तो ये दोनों पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 5 रेस टू 2 3 6 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3। ओके, अब सिंपल सम हो गया जैसा हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, 5 रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3। यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का रिलेशन है, तो पावर का होगा माइनस 5 रेस टू 6 माइनस 3। तो आंसर आएगा 5 रेस टू 3। मैं आंसर को ऐसे बॉक्स में लिख देती हूँ। फोर्थ नंबर का आंसर आया 7 रेस टू x प्लस 2, फिर इसका 5 रेस टू 3। अब यहाँ पर देखो 6 नंबर 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 5। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर कॉमन है। देखो ये बेस अलग अलग है, तो हम पावर की प्लस नहीं कर सकते। पावर की प्लस करने के लिए भी कंडीशन क्या है कि बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पर बेस अलग है और पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 5 10 रेस टू 5। ओके, 10 की पावर 5, एक ही बार लिखेंगे, पर कॉमन निकाल देंगे, दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 रेस टू 5। ओके, तो ये ही आंसर है इसका, और कोई इसमें सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मेंशन करना है। अब यहाँ पर भी देखो a रेस टू 4 मल्टीप्लाई b रेस टू 4। तो यहाँ भी क्या है, बेस अलग है और पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ब्रैकेट ओवर रेस टू 4। ओके, इस तरह से समझ हो गए हमारे। फिर से मैं चारों चार से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोर्थ नंबर है 7 रेस टू x मल्टीप्लाई 7 रेस टू 2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर का होगा प्लस, तो 7 रेस टू x प्लस 2। फिफ्थ नंबर 5 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 5 रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3। अब ओके, बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर का माइनस होगा, 5 रेस टू 6 माइनस 3, तो आंसर आएगा 5 रेस टू 3। 6 नंबर और 7 नंबर दोनों में क्या है कि बेस अलग है और पावर सेम है, तो उसके लिए हम बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को ब्रैकेट करके ब्रैकेट के बाहर रेस टू कर देंगे, 2 5 10 रेस टू 5 और यहाँ ए बी रेस टू 5। ओके, अब हम इसी के आगे सम करेंगे, 7 के बाद अभी भी है 2
एट नंबर, 3 raised to 4 ब्रैकेट के बाहर 3 cube मतलब 3 लिया है। तो अभी इस तरह का भी एग्जाम आया था कि कोई भी बेस की एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो दोनों पावर का होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 raised to 4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 raised to 12। ओके, इसका आंसर आएगा हमारा 3 raised to 12। अब देखो नाइन्थ नंबर, 9th number में 2 raised to 20 डिवाइडेड बाई 2 raised to 15 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 2 raised to 3। कभी भी हमें ब्रैकेट वाला सम दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्लियर करके ब्रैकेट को रिमूव करना है, बाद में उसको आगे हमें एक्सटेंड होना है। ओके, तो यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है, तो ब्रैकेट तो उसकी पावर का क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 raised to 20 minus 15 multiplied 2 raised to 3। ओके, अब 2 raised to 20 minus 15 तो क्या आया, 5, ब्रैकेट ओपन हो गए, मल्टीप्लाइड 2 raised to 3। अब यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा प्लस 2 raised to 5 plus 3, तो आंसर आएगा 2 raised to 8। ओके, द आंसर इज 2 raised to 8। और लास्ट नंबर 10th number देखो, 8 raised to 3 डिवाइडेड बाय 8 raised to 2 या 8 8, बेस सेम दिया है, डिवीजन का सिंबल है तो पावर का होगा माइनस, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 raised to 3 minus 2 बस। ओके, फिर से तीनों क्वेश्चन समझा देती हूँ। 8th number में है 3 raised to 4 ब्रैकेट के बाहर 3, यहाँ पर 3 बेस है, 3 की 2 पावर दी गई है, एक पावर है ब्रैकेट के अंदर, एक पावर है ब्रैकेट के बाहर, तो जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो होगा 3 raised to 4 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आएगा 3 raised to 12। अब 9th number देखो, 2 raised to 20 डिवाइडेड बाय 2 raised to 15 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट, और फिर हमें उसको आगे एक्सटेंड करना है, वॉट एवर जो भी नंबर दिया है उसके साथ उसका बेसिक ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर बेस सेम है 2 2, दोनों के बीच में सिंबल है डिवीजन का, तो क्या होगा, दोनों की पावर का माइनस होगा, 2 raised to 20 minus 15 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 2 raised to 3। अब 2 raised to 20 minus 15 तो क्या होगा, उसका 2 raised to 5 मल्टीप्लाई 2 raised to 3। अब यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पावर का होगा प्लस 2 raised to 5 plus 3, तो आंसर आएगा 2 raised to 8। और अब ये 10th number देख लो, 8 raised to 3 डिवाइडेड बाय 8 raised to 2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 raised to, देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवीजन का सिंबल है, तो दोनों की पावर का होगा माइनस, तो 8 raised to t minus 2। अब t माइनस 2 का कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे, तो हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ गया, 8 raised to t minus 2। ओके, तो 13.2 की यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1 के 10 सम्स कंप्लीट हुए। अब हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे।
देखो अब ये बड़े बड़े सम्स हमें आएंगे सिंप्लीफाई के, तो यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है, सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, तो पावर और एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। एक्सरसाइज टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नंबर वन है 2:3 मल्टीप्लाई 3:4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32। अब यहाँ पर 32 नंबर दिया है, तो हम अगर इस तरह से कभी भी हमें नंबर दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम इसको पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हमें 32 के प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने होंगे। तो इस तरह से 32 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये मेथड आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ओके, तो आपके लिए न्यू नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव, तो देखो क्या है यहाँ 2:5। 32 के लिए मैं ये लिख सकती हूँ 2:5। ओके, सबको उसी फॉर्म में लिखना है 2:3 मल्टीप्लाई 3:4 मल्टीप्लाई 4। अगर 4 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, पर देखो 4 भी कैसा है, कंपोजाइट नंबर है। ओके, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 अब दोनों की एक एक पावर। यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए तो ही हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाएंगे। 3:1 मल्टीप्लाई 2:5। ओके, इतना पता चला। ये 4 का हमने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, और दोनों के अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर नहीं होती तो हम उस पर 1 लिख देंगे। फिर 3 मल्टी 3 की भी पावर नहीं दी है तो हमने 3 की भी पावर 1 लिख दी मल्टीप्लाई 32। तो 32 को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आया 2:5। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, पहले ऊपर सारे 2 की पावर को हम साथ में ले लेंगे, कितनी है 2:3 मल्टीप्लाई 2:1 मल्टीप्लाई 2:1 मल्टीप्लाई 3:4 अपॉन 2:5 मल्टीप्लाई 3:1। ओके, हमने सभी अब ये इसको हम ऊपर सम करेंगे। 2 कितनी, 2 देखो 2 3 टाइम्स 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो क्या करेंगे, सभी पावर का प्लस करेंगे। तो इस तरह से 2:3 +1 मल्टीप्लाई 3:4 अपॉन 2:5 मल्टीप्लाई 3:1। ओके, अब 2:3 + 1 4 4 + 1 5 × 3:4 / 2:5 × 3:1 × 2:5 × 5 कट हो गया। अब 3:4 / 3:1 दोनों में कौन सा रिलेशन है, डिवीजन का, बेस सेम है तो पावर का होगा माइनस, इस तरह से आएगा 3:4 - 1 तो आंसर आएगा 3:3। जो मैं बॉक्स में लिखती हूँ वो हमारे आंसर होते हैं। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन आराम से समझ लें। 2:3 मल्टीप्लाई 3:4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 32। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, हमें प्राइम नंबर ही चाहिए और पावर फॉर्म में ही चाहिए। तो देखो 4 कंपोजिट नंबर है तो 4 के हमने फैक्टर्स कर दिए 2 × 2 = 4। ओके, और दो कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं दी हुई होती है तो हम पावर 1 लिख देते हैं, तो 2:1 × 2:1। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 32 कंपोजिट नंबर है तो उसको हमने प्राइम फैक्टर्स हमने उसके फाइंड कर लिए। ओके, प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड, तो उसका आंसर आया 2:5। अब हमने न्यूमरेटर में जो 2 वाले सारे थे मल्टीप्लाई पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको साथ में लिख दिया। फिर ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर का किया प्लस, तो 2:5 मल्टीप्लाई 3:4 अपॉन 2:5 मल्टीप्लाई 3:1 2:5 कट हो गया। अब ऊपर रहा 3:4 और नीचे 3:1। अब ये दोनों में रिलेशन है डिवीजन का, दोनों का बेस सेम है
तो पावर का होगा माइनस, तो 3:4-1 तो आंसर आएगा 3:3। ओके, इस तरह से सिंप्लीफाई क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, तो इसके लिए आपको सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से, और वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की मेथड भी आने चाहिए जो फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप सीखते आ रहे हो, जिसको हम LCM भी बोलते हैं ना, LCM भी इसी तरह से फाइंड करते हैं हम। ओके, अब हम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नंबर 2 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया है बी स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर और दूसरा स्मॉल ब्रैकेट 5:2 ब्रैकेट ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5:4 ब्रैकेट ओवर और बाहर है डिवाइडेड बाय 5:7। तो मैंने अभी ब्रैकेट वाले सब में आपको कहा था कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये पहले जो कर्व ब्रैकेट दिया है उसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ 5 की एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई 2 × 3 मल्टीप्लाई 5:4 डिवाइडेड बाय 5:7। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5:2 2 × 3 = 6 मल्टीप्लाई 5:4 डिवाइडेड बाय 5:7। हम ऊपर ये सब करेंगे, देखो यहाँ पर 5:6 मल्टीप्लाई 5:4 ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट के बाहर डिवाइडेड बाय 5:7। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है मल्टीप्लाई है 5 बेस सेम है तो पावर का होगा प्लस, तो ऐसे लिखेंगे हम 5:6+4 डिवाइडेड बाय 5:7। ओके, पहले हमने इतना सॉल्व किया ब्रैकेट के अंदर का हमने सॉल्व किया, ठीक है। 5:6 मल्टीप्लाई 5:4 है तो उसके लिए हमने लिखा 5:6+4 क्योंकि डिवीजन सॉरी मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है अगर बेस सेम हो तो। अब क्या होगा 5:10 डिवाइडेड बाय 5:7। अब कौन सा रिलेशन हो गया डिवीजन का रिलेशन हो गया, तो क्या बेस सेम लग रहा है यस बेस सेम है। ओके, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा माइनस होगा, तो ऐसे लिखेंगे 5:10-7 5:3 आंसर आया हमारा 5:3 करेक्ट आंसर है। फिर से पूरा क्वेश्चन समझा लो, यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो होगा 5:6 मल्टीप्लाई 5:4 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 5:7। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर का होगा प्लस, तो 5:6+4 डिवाइडेड बाय 5:7 तो क्या आएगा 5:10 डिवाइडेड बाय 5:7। अब ये दोनों में डिवीजन का रिलेशन है, पावर सेम है तो उनकी सॉरी बेस सेम है तो पावर का होगा माइनस, 5:10-7 तो आंसर आएगा हमारा 5:3। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख के रखते हैं थर्ड नंबर। ओके, तो अब हम ये सब नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे, तब तक आज जितने भी सम्स किए हैं
आप सारे सब्स अच्छे से सॉल्व कर लोगे। फिर वो जो ये चैप्टर में जो रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो पावर का होता है प्लस, और बेस सेम हो, डिवीजन का रिलेशन हो तो पावर का होता है माइनस। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 3। थैंक यू।